पुराने जमाने में काफी जानवर थे जो बहुत ही बड़े और विशाल दिखते थे। उन जानवरों में से बहुत से जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डायनासोर की जितनी भी जातियाँ थी वो अभी नहीं रही है। उसी तरह पहले बड़े टस्क वाले हाथी होते थे और उन हाथियों का रूप भी काफी डरावना था, लेकिन अभी के हाथी पहले के हाथियों से अलग दिखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जानवर जो पुराने जमाने में बहुत बड़े थे, सिर्फ जानवर ही नहीं तो इंसेक्ट्स भी काफी बड़े थे, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगी जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि किसी जमाने में इतने छोटे दिखने वाले जानवर इतने बड़े भी हो सकते थे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलीपीड। मिलीपीड नाम का कीड़ा है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। आज के वक्त में आपने ये कीड़ा देखा होगा, ज्यादातर ब्लैक कलर में होता है। लेकिन इस मिलीपीड का प्रीहिस्टोरिक एंसेस्टर जिसका नाम आर्थोप्लोरा था, ये बहुत ही बड़ा कीड़ा था जो 300 मिलियन ईयर्स पहले दिखाई देता था। इस कीड़े के बॉडी की लेंथ कम से कम 6 फीट थी, जो लगभग 30 जॉइंट सेगमेंट से बना था। देखा जाए तो अभी के मिलीपीड की साइज आर्थोप्लोरा के सामने कुछ भी नहीं है। क्रोकोडाइल। अभी के वक्त में जो क्रोकोडाइल्स है वो भी काफी बड़े और डरावने हैं, लेकिन पुराने वक्त में जो क्रोकोडाइल्स थे वो वेट में बहुत ज्यादा थे और लेंथ में भी काफी बड़े थे। इन क्रोकोडाइल्स को डिनोस्यूक्यूस कहते थे, जिसका मतलब होता है टेरिबल क्रोकोडाइल। ये डिनोस्यूक्यूस क्रोकोडाइल डायनासोर्स के टाइम में थे और दूसरे जानवर इस क्रोकोडाइल के शिकार से काफी डरते थे। इन डिनोस्यूक्यूस क्रोकोडाइल की लेंथ कम से कम 40 फीट थी, जिस कारण ये बहुत डेंजरस दिखते थे। रैबिट्स। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से और क्यूट से दिखने वाले रैबिट कभी साइज में बड़े और हैवी थे? पुराने वक्त में न्यूरालेगस रेक्स नाम का रैबिट हुआ करते थे, जिनका वेट 26 पाउंड्स था और ये नॉर्मल रैबिट से 6 गुना ज्यादा बड़े थे। और ये रैबिट्स अपने बॉडी वेट के कारण कूद नहीं सकते थे। न्यूरालेगस रेक्स रैबिट दिखने में भी काफी अलग थे। इन रैबिट्स की आंखें और कान काफी छोटे थे और इनका रंग भी ब्लैक और ब्राउनिश कलर का था। एलिफेंट। अभी के हाथी ही काफी बड़े हैं, धरती पर सबसे विशाल जानवर है। तो सोचिए पुराने जमाने के हाथी कितने बड़े होंगे। पुराने जमाने के हाथी, जिन्हें डायनोथेरियम नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़े नॉन डायनासोर जानवर थे धरती पे, जिनका वेट कम से कम 5 टन था और लेंथ में 16 फीट थे। इन हाथियों की सबसे अजीब बात ये थी कि इनके टस्क सुन के नीचे थे। रैट। घर के आजू बाजू के पेड़ों में आपने चूहा घूमते हुए देखा ही होगा, पर सोचिए अगर ये चूहे बहुत बड़े और डरावने दिखे तो 2 से 4 मिलियन साल पहले जोसेफ फोआर्टिगेस या मोनेसी नाम के बड़े चूहे थे साउथ अमेरिका में, और ये चूहे इतने बड़े थे कि दूर से देख के भी इंसान डर जाए। ये चूहे हाइट में 1.5 मीटर और वेट में कम से कम 350 से 1500 केजी के थे। मतलब पुराने जमाने के चूहे अभी के चूहे से बहुत ही थे, और उस जमाने में जेसोफेटिगेस या मोनेसी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेट माना जाता था। तो ये थे दुनिया के कुछ जानवर जो बहुत ही ज्यादा बड़े थे, लेकिन जैसे कुछ जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, वैसे ही कुछ जानवर वक्त के साथ बदलते गए। मतलब जैसे पहले इंसान भी मंकी जैसे दिखते थे, लेकिन हिस्टोरिक एवोल्यूशन के साथ काफी चेंजेस हो गए। उसी तरह ये कुछ जानवर है जो पहले बहुत विशाल थे और अब साइज में छोटे हो गए हैं। तो आपके इस वीडियो पे क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।